हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 7:15 और आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी असम अपनी R15 पे। और अभी थोड़ा कपड़ा मार लिया, अभी हमें यहाँ पे बैग के लिए वो लगाना पड़ेगा, बैग हैंग करने के लिए, वो गैराज वाले से बात की है। तो बस हम लेट हो गए हैं तो हमें जल्दी निकलना है, तो आपको आके मिलते हैं, देखते हैं हमारा कैसा रहता है राइड पे। सो मुझे बेस्ट ऑफ लक दे दीजिए। सो बाय, अब देखते हैं, हम बस जाने वाले, हम लेट हो रहे हैं। आ चुके हैं पेट्रोल पम्प, हम डलाएंगे इंडियन ऑयल का एक्सप्रेस ऑयल 2000 का। एक बार देख लेना कितना फुल होता है, 1000 से बेसी नहीं डलना है ना। ना देखना फुल कितना होता है, मेरे पे 1000 हो देंगे खाली अलग। फ्रेंड्स, हम आए हैं क्रेजी मोटर गैराज में। एक्चुअली क्या है, मेरे को बहुत बैक पेन हो रहा था बैक से, तो हम इधर इंस्टॉल करेंगे बैग होल्डर, पीछे इसका लग जाएगा, वो रहा हमारा बैग होल्डर। तो 1800 का है, देखते हैं कितना डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज उसके बिना मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग राइड। फ्रेंड्स, अभी हम खाना खाने रुके हैं यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन शर्मा होटल। तो हमारी बाइक यहाँ पे लग चुकी है, 1.5 घंटा राइड करने के बाद थक गए थे हम थोड़ा, तो इसलिए कुछ पेट पूजा होगा। गाइस, हमने ऑर्डर किया है आलू परांठा, बहुत भूख लगी थी, बहुत थक गए 1.5 घंटा राइड करके। अब इसके बाद 2 घंटे बाद रुकेंगे हम कॉरिडोर ब्रिज के पार करके। चुका है हमारा आलू का परांठा, 100 रुपये का है, जो कि उसमें काफ़ी सब्जी वगैरह भी आई है। तो अब हम खाएंगे खाना, तब तक आप आराम कीजिए। हमने खा लिया, अब हम वापस राइड स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम जाएंगे, 1-2 घंटे बाद रुकेंगे, स्टे करेंगे। तो बहुत गर्मी है, फिर भी मैंने फुल बाजू डाला है, पागल लग रहा हूँ, बस क्या करें, जाना पड़ेगा। हम रेस्ट कर रहे थे तो काफ़ी थक चुके हैं अभी हम, तो 10 किलोमीटर बाद कॉरिडोर ब्रिज आएगा, उसके बाद ब्रिज पार करके शायद से प्लेन एरिया मिल जाए हमें, क्योंकि हिल स्टेशन पर तो हम थक गए हैं पहाड़ी पर ड्राइव कर करके। चलो हेलो फ्रेंड, हम बीच सड़क में रुक चुके हैं, हर 30-40 किलोमीटर के बाद हमें रुकना पड़ रहा है, इतना थक गए, इतनी हाथ दर्द कर रहे हैं, पांव दर्द कर रहे हैं, सच कहूं तो रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजन पे गुवाहाटी जाने का अपनी बाइक पे। बट अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक जा पाते हैं हम। अभी 319 किलोमीटर हो रहा है, 319 किलोमीटर हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर करके जाएंगे, शाम को शायद से 12 बजे तक पहुँचेगा, सोच रहा हूँ रात को स्टे कर लें कहीं पे। बहुत गर्मी है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो ये है हमारा बाइक, छाँव में लगाया इसको हमने, थ्रिलिंग थ्रिलिंग एडवेंचर जिसमें हमें दर्द होगी। कल ऑफिस गाइस रुकेंगे हम 35 किलोमीटर बाद, रुक रुकने का 150 रुपया ले लेते। चलो बेटे, रेस्ट टाइम 35 किलोमीटर चलाया, 35 35 के बाद रेस्ट लेंगे, बढ़िया नहीं है। कोई हाथ देखो, अभी यहाँ पे आगे 130 किलोमीटर बोंगई गाँव आएगा, हम वहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह गुवाहाटी के लिए निकलेंगे, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। क्या मजा करना, गुवाहाटी जाके बस पहुँच जाए और वापस आते हुए सोच रहा हूँ बाइक कैसे आएगी वापस। चलो गाइस, मिलते हैं आगे। फ्रेंड्स, हम बस 60 किलोमीटर दूर है बोंगई गाँव से, आज वहाँ पर हम स्टे करेंगे। और आपको मैं अब रोड दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे पीछे रोड है, रोड तो ठीक है बट कभी गायें, कभी बकरी, कभी कुत्ता, बहुत मुश्किल रोड है, जैसे मतलब बार बार बच रहे हैं हम, मतलब बहुत ही जानवर को क्या बोलना, बट ये जो जानवर पालते हैं वो ध्यान नहीं रख सकते हैं क्या, 3 बार बचे हम, कभी गायें, कभी बकरी किसी की आ रही है रोड में।
तो ये भाई लोग हमारा चलान होने वाला था क्योंकि हेलमेट रह गई थी, तो सूरज भाई ने उसको बातों में लगाया और अब आ रहे हैं, मैंने निकाल ली बाइक। फ्रेंड्स अब हम होटल से फ्रेश होके आ चुके हैं, KFC चिकन बर्गर खाने, चिकन मील खाने, बहुत भूख लगी है, बस ऑर्डर थोड़ी देर में आ जाएगा, तो उसके बाद हम वापस रूम जाएंगे। एक्चुअली हम हेलमेट नहीं लाए हैं तो पुलिस वाले बहुत हैं अभी, तो थोड़ा वेट यहाँ पे मॉल में घूम के थोड़ी देर में जाएंगे। अब सुबह हम अर्ली मॉर्निंग कोशिश करेंगे 6 या 7 बजे निकल जाएँ गुवाहाटी के लिए। अभी हम उठ चुके हैं, बस अब थोड़ी देर बाद हम फ्रेश होंगे और निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का, हो चुकी है, अब हम निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। और चार्ज वगैरह कर लिया हमने फ़ोन, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गया मेरे को नाखून के ऊपर, फिंगर से स्वेलिंग हो गई और रात को पूरी रात सो नहीं पाया दर्द के मारे। तो बस 3 घंटे और उसके बाद गुवाहाटी फाइनली पहुँच जाएंगे। सो अभी हम चेकआउट करके निकलने वाले हैं, बाहर थोड़ा बारिश हुआ है तो मौसम थोड़ा रोड गीला होगा तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। चलो ज़्यादा बारिश होता तो बाइक साफ होता पर और गंदा हो गया होगा। सो गाइस हम निकलेंगे। हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कोई 480 किलोमीटर चल रही है, अभी भी 100 किलोमीटर तक बाकी है, तो बस हो गई है, बस पेट्रोल डालेंगे थोड़ा सा तो उसके बाद चलेंगे वापस। जालुकबाड़ी किस मतलब बाइक की सर्विस भी करानी पड़ेगी जाके। चलें चलूं माला बाजार पहुँचे हैं। माला बाजार पता नहीं क्या नाम है, तो बहुत थक चुके हैं, बहुत गर्मी है यहाँ पे, ऊपर हमने जैकेट डाली है, बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे। पहला वाला घर लेफ्ट, इधर ही रोक देना भाई। हाँ यही यही।